क्रांति निकेतन, आप हाँ दोनों से जानना चाहूंगा कि जो है रक्तांचल वन को जिस तरह का रिस्पांस मिला था उसको लेकर थोड़ा सा बताइए कि क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे आप लोगों को और उस रिस्पांस को लेके कितने खुश हैं आप लोग। आई थिंक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमें. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को हमारा शो इतना अच्छा लगेगा और हमारे किरदार इतने अच्छे लगेंगे. आई थिंक किसी भी एक्टर को बहुत अच्छा लगता है जब उसकी काम की सराहना होती है, उसके काम की तारीफ होती है. तो ऑल ऑफ अस आर वेरी ग्रेटफुल. शायद इसलिए एमएक्स ने डिसाइड किया कि वो सीज़न 2 बनाएंगे. शायद ये सीज़न थोड़ा जल्दी आता लेकिन पैंडेमिक की वजह से डिले हो गया. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फीलिंग. क्रांति आप भाई बहुत खुशी की बात है क्योंकि तभी सीज़न 2 भी आया है और 300 मिलियन के आसपास सीज़न 1 को देखा गया है. तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जनता रक्तांचल की भावनाओं से जुड़ी है और इस बार देखिए और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा. राइट, जैसे आपने कहा कि इस बार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पहले सीजन में लोगों ने आप दोनों की दुश्मनी देखी थी, इस सीजन में क्या नया देखने मिलने वाला है अगर उस बारे में कुछ बताए हमें। वैसे दुश्मनी दिखाई दे रही है पोस्टर से, तो अगर कुछ बताए थोड़ा अगर ग्लिम्स देना चाहे सीरीज के बारे में। इस बार बड़ा है और काफी बड़ा है और काफी बेहतर है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि नए नए कलाकार जो इतने नामचीन कलाकार हैं आशीष इनके साथ काम करके हम सबको पूरी यूनिट को बहुत मजा आया. क्योंकि जब वो आते थे तो माहौल बन जाया करता था और करण पटेल हैं इस बार, माही गिल हैं, तो कुल मिला के बहुत सारे ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा. और आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पिछली बार कहा कि हमने एक बार में ही देखा था, इस बार भी शायद बहुत लोग होंगे, संख्या बढ़ेगी उनकी. और इस बार कहा जा रहा है कि विजय सिंह रोमांस करते हुए भी दिखाई देंगे, क्या ये सही है या क्या कहना अरे चाहते बिल्कुल सही. विजय सिंह बहुत रोमांटिक आदमी है जो कि हैं। शायद रितम श्रीवास्तव और एमएक्स प्लेयर उनको लगता है कि नहीं सिर्फ एक ही भावना से चलना चाहिए विजय सिंह को, पर अंदर से बवाल बहुत है उनके अंदर रोमांस का. तो जानने के लिए देखें रक्तांचल सीजन. आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में बताइए, ऑफ स्क्रीन किस तरह की बॉन्डिंग थी आप लोगों की, अगर उस बारे में कुछ बताए, कुछ फन मोमेंट्स किस तरह के स्पेंड किया करते थे, हालांकि पेंडेमिक का टाइम था तो ज्यादा। हाँ सीज़न 2 में पैंडेमिक की वजह से आई डोंट थिंक ज़्यादातर यूनिट पोस्ट शूट या कुछ इतना समय बिता पाई, लेकिन ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा रहा है. हमारा जो यूनिट है और जो कास्ट है बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा किसी कोई भी नहीं जिसको कोई ईगो इशू हो या सब एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं. जैसे विजय सिंह की गैंग है तो वसीम की गैंग है, ये दोनों गैंग आपस में भी बहुत हम सब की दोस्ती है. जब भी बैठते हैं साथ बहुत अच्छा लगता है. लेकिन एक वेब सीरीज का एक स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऐसा होता है कि हर एक का एक ट्रैक होता है, एक स्कीम ऑफ इवेंट्स होता है. तो विजय और वसीम कैन नॉट कोलाइड सो इजली, जितना दूर रहेंगे उतना फ्रूटफुल रहेगा जनता के लिए. अच्छा हाँ तो इस वजह से हमारा काम इतना नहीं है साथ में, ट्रैक्स आर डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम बिकॉज वी आर द सेम सिटी और कभी मैं निकल रहा था काम से तो ये आ रहे थे, कभी ये आ रहे, कभी ये निकल रहे थे तो मैं आ रहा था, ऑब्वियसली मिलना मिलाना तो हो ही रहा था. सो इट्स अ ग्रेट एटमोसफियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इसीलिए वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड की एंड होपिंग की रक्तांचल सीजन 2 जल्द बने और जल्द लोगों को देखने को मिले. और OTT के दौर को कितना एंजॉय कर रहे, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो रक्तांचल 1 थी वो लॉकडाउन 1 के टाइम पे आई थी, तो उस दौर को कितना एंजॉय कर रहे, क्योंकि आप दोनों को हमने देखा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में काम करते हुए, तो OTT का प्लेटफॉर्म कितना एंजॉय कर पा रहे हैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। इस दौर में बहुत अच्छी दौड़ लगा रहे हैं तभी शायद यहाँ बैठे हुए, क्योंकि ये सिर्फ तभी संभव हो पाया है जब OTT बूम आया है. और मैं बहुत धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा एमएक्स ऐसे प्लेटफॉर्म का जो तरह तरह के कॉन्टेंट लेके आते हैं, हर हर वर्ग के लोगों के लिए लेके आते हैं. अगर तो किसी को रक्तांचल अच्छा लगता है तो उनके लिए भोकाल भी है, कैंपस डायरीज भी है. तो ये बूम हमारे ऐसे कलाकारों के लिए बहुत अच्छा है, कलाकार की कोई भी टेक्नीशियन हो, कैमरा मैन हो, सबके लिए, क्योंकि एक नया आयाम मिला है हम सबको काम करने के लिए. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि विजय सिंह भी मुझे इसी OTT प्लेटफॉर्म पे. आई थिंक क्रांति ने बहुत अच्छी तरह आपको इस बात का जवाब दे दिया है कि जैसे आपने हमें दूसरे किरदार करते हुए देखा है, OTT की बदौलत आज हमारी पहचान विजय सिंह और वसीम खान के नाम से भी है. हम कहीं जाते हैं तो हमें उसी नाम से बुलाया जाता है. इट ऑलवेज फील्स ग्रेट, मतलब हमने जो काम इतनी शिद्दत से किया और मेहनत की हर एक्टर करता है, लेकिन जब आपको उससे पहचान मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है. सो आई थिंक OTT इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म बिकॉज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इट
provides means aaj aap bhi se yahan gives you also a channel extra channel for you to meet people and understand a different area of distribution so it's great right aapse jana chahunga vijay aur vasim ki jo dushmani hai इसमें भी आई एम श्योर ऐसे ही दिखेगी लेकिन एक्शन के समय आपको कितनी मुश्किल हुई क्योंकि हमने देखा कि रियल लाइफ में भी निकितिन काफी मतलब हट्टे कट्टे हैंड टू हैंड है ही नहीं ना इसमें अगर आपने सीजन वन भी देखा है तो इट्स जिस किस्म की दुश्मनी है इट इज मोर ऑफ द माइंड देन द बॉडी ऐसा नहीं है कि वी हैव चैलेंज्ड अदर टू मॉडल कॉम्बैट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इट्स जस्ट हाउ एक्चुअल जैसे होता है जब दो इंसान जिनकी थिंकिंग टोटली अलग होती है दे डोंट क्लैश मैन टू मैन they get each other killed or they get each other attacked upon to usi hisab se this is how we have shot it which is a realistic thing and to I think usme deal doll ka koi lena dena nahi hota it's more about your guts it's more about your willingness how willing you are to stay alive or die and kill the other guy that's pretty much it shanti aapka experience kaisa raha jaise karan ki nayi entry hai I am sure matlab humne jaise trailer mein dekha ki wo cop ka kirdar nibha rahe hain तो अगर एक्सपीरियंस के बारे में बताएं जैसे निकितिन ने कहा कि आशीष विद्यार्थी जी के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दोनों लोगों के साथ करण को तो सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि उनकी पहली वेब सीरीज है राइट आई होप कि लोगों को बहुत मजा आएगा उनके किरदार में करण एक बहुत ही हम्बल इंसान है उनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है और दुनिया की तमाम बातें सिर्फ यही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हो दूसरे उसके बारे में बात करेंगे उसके अलावा करण के साथ मेरे सीन ज़्यादा थे सिम खान के साथ कम है तो मैं समय ज़्यादा बिता पाया और हम लोग खाना बहुत पसंद है खाते खाते शूट कर लिया तो मज़ा आया और आशीष जी के बारे में आशीष सर के बारे में मैं क्या कहूँ मैं मतलब कुछ तो बोले ना आशीष सर के बारे में इतना बोल चुका हूँ कि फिर से मैं कहता हूँ कि अपने आप में एक संस्था है चाहे वो बतौर कलाकार हो बतौर इंसान हो सीखने को बहुत कुछ मिला और बहुत ही उनके साथ रह गया बहुत कुछ सीख जाते हैं Right. और 11th फेब को जो है सीरीज रिलीज होने वाली है कुछ कहना चाहेंगे क्या यूएसपी होगी रक्तांचल 2 की इसका नाम रक्तांचल 2 है क्योंकि पहले वाला का नाम रक्तांचल था सिर्फ यूएसपी यही है आपका इंटरव्यू जब से स्टार्ट हुआ हम यूएसपी बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया यूएसपी क्या है तो हम क्या बोलेंगे वी जस्ट होप पीपल कम एंड वॉच द शो एंड दे लाइक इट एंड दैट्स वी आर एवर ग्रेटफुल कि आपको सीजन 1 अच्छा लगा एंड वी आर रियली होपिंग कि आपको सीजन 2 भी अच्छा लगे Okay, thank you so much and all the best. Thank you, all the best.